दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी खाई और गहराती जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा लौटाए गए दिल्ली सरकार के 14 बिलों से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बौखलाए केजरीवाल मोदी पर एक के बाद एक हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल ने मोदी पर कसा तंज, मोदी को बताया हेडमास्टर। एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने आ गए हैं। सही प्रक्रिया का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए केंद्र ने मंजूरे के लिए आए दिल्ली सरकार के 14 बिलों को वापस लौटा दिया है। गृह मंत्रालय की माने तो दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी बिल पास कराने से पहले ड्राफ्ट को उपराज्यपाल के पास भेजकर अनुमति लेना जरूरी है, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया, जिसके बाद केजरीवाल ने मोदी पर हमला करते हुए केंद्र की नीयत पर ही सवाल उठा डाले। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, दिल्ली की हार को भुला दीजिए और इस तरह से दिल्ली के लोगों से बदला मत लीजिए। इसके बाद सीएम केजरीवाल के ट्वीट यही नहीं थमे, उन्होंने एक और ट्वीट में मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, मोदी जी का नारा ना काम करूंगा ना करने दूंगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को वापस भेजे गए बिलों में जन लोकपाल बिल भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने जो बिल वापस भेजे हैं, दिल्ली सरकार के 14 बिल, वो कौन कौन से हैं और किस तरह से बिल दिल्ली के लोगों के हित में थे। दिल्ली सरकार के 16 बिलों में पहला बिल है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट। इस बिल के मुताबिक नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत इंस्टीट्यूट की 3,400 सीटों को बढ़ाकर 12,000 सीटें करने का प्रस्ताव था। प्राइवेट स्कूल फीस और दाखिला, इस बिल के तहत फीस के मामले में प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा जवाबदेही बनाने और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्यादा फीस को रिफंड करने का प्रावधान है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल, इसमें प्रावधान है कि एंट्री लेवल की कक्षा में इंटरव्यू लेने पर 5 से 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाए। दिल्ली अमेंडमेंट बिल, सर्विस डिलीवरी को लोगों का अधिकार बनाने के लिए संशोधन बिल लाया गया, जिसके तहत लेट काम करने वाले सरकारी अफसरों की सैलरी कट हो जाएगी। पत्रकार और अन्य कर्मचारी, इसके तहत पत्रकारों और मीडिया के बाकी कर्मचारियों को तय वेतन और भत्ते नहीं देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। न्यूनतम वेतन अमेंडमेंट बिल, लेबर नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इस बिल में किडनैपिंग और रेप जैसे केसों में मजिस्ट्रेट जांच के स्कोप को और बढ़ाने का प्रावधान है, अभी सीमित केसों में ही मजिस्ट्रेट जांच होती है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड एजुकेशन बिल, यह बिल कक्षा 8 तक के नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर देगा। दिल्ली जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के मुकाबले इस बिल को लाया गया है, इसके तहत भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली वैट बिल, इस बिल से दिल्ली में वैट नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके अलावा लौटाए गए बिल दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और स्पीकर की सैलरी और भत्तों के बढ़ाए जाने से जुड़े हैं। केजरीवाल सरकार के ये बिल वाकई आम आदमी के हित से जुड़े हैं, लेकिन केंद्र भी नियमों का हवाला देकर इस पर गौर करने से बच रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।